Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. Now you are connected with YouTube channel Get Goal Online. Today we are discussing about learning and acquisition. तो आज हम अधिगम एवं अर्जन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे. जैसा कि अपने हमने पहली लास्ट वीडियो में अधिगम और अर्जन के बारे में बताया था और इन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आज लेके आए हैं. तो आप देखते रहिएगा. यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी. एंड बेल आइकन आएगा उसको दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोज को देख पाएंगे. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट वन में पूछा था क्वेश्चन कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, तो उसमें उसका सही आंसर आज हम बता रहे हैं. तो उसका सही आंसर है वो मौन पठन, इसका राइट आंसर है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. शब्द के अर्थ स्पष्ट की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है. तो फर्स्ट, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना. सेकंड, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना. थर्ड, शब्दकोश देखना. फोर्थ, शब्दों की व्याख्या करना. तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है सेकंड, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, जिससे क्या होंगे, बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, फर्स्ट ऑप्शन, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं. सेकंड, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं. थर्ड, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो. फोर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठ्यों का समावेशन हो. तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मतलब जो भाषा है आपकी वो सहज और प्रभावी ढंग से सीखी जाए, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है थर्ड, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो. मतलब जो भाषा सीख रहे हैं हम, तो उसका जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. अब कंठस्थ नियम करा देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियम कंठस्थ होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा. भाषा शिक्षक कठोर रवैया बनाएंगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा या अपने एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा. पाठ्य पुस्तक में ज़्यादा पाठों का समावेश कर दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि बच्चा ऐसे पढ़ते चला जाएगा और उसको जो भाव उत्पन्न और उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन. फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थित की मांग करता है. सेकंड, भाषा की कक्षा में ही संभव है. थर्ड, सहज स्वाभाविक होता है. फोर, प्रयासपूर्ण होता है. तो जो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है थर्ड, सहज और स्वाभाविक होता है. हमने क्या बताया था, जो अर्जन होता है वो स्वयं से आता है, स्वाभाविक रूप से सीख जाता है बच्चा. और जो भाषा अधिगम होता है, अधिगम वाला जो होगा, तो वो होगा प्रयासपूर्ण से. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है. तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं. सेकंड, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं. थर्ड, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है. फोर, इनमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है. तो व्हाट इज द राइट आंसर, जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है फर्स्ट वाला, भाषा के नियम सीखे जाते हैं. अब इसमें ये राइट आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में नहीं आ गया, अगर ये नहीं काट दिया जाए तो ये तीनों आंसर नीचे के सही हैं. नहीं की वजह से क्या हो गया, ये हमारा जो पहला आंसर है वो सही हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले फर्स्ट भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सेकंड अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ होते हैं, थर्ड कोरी स्लेट होते हैं, फोर भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इसका है वो है सेकंड। मतलब वो व्यवहारिक रूप से कुशल होते हैं, उसे समझ सकते हैं जो क्या कहना चाह रहा है कोई व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, थर्ड पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। सो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट, समृद्धि भाषिक वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत बताना है आपको कौन सा गलत है। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। सेकंड, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। फोर, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला, भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं। जैसे कोई भाषा आप सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसका हिंदी का अनुवाद करना पड़ेगा, जो ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तो उसको उसके तरीके से क्या है, आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अपनी भाषा में। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और जो भी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो पहले से ऑलरेडी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, सेकंड अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, थर्ड अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, फोर अन्य विषयों के शिक्षक विषयों के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका होगा थर्ड वाला, जो अन्य विषयों को पढ़ने में वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। सेकंड, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषीय परिवेश की आवश्यकता होती है। थर्ड, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। फोर, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? अब आप देखिए इसमें पूछ रहा है वो क्वेश्चन में नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है। तो सिंपल बात है कि फर्स्ट वाला गलत होगा कि रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। अब आप खुद ही बताइए, कोई भी आप भाषा सीखते हो तो उससे कंपलसरी नहीं होता कि रोजगार मिलेगा, वो अपने संप्रेषण के लिए की जाती है जिससे कि आप अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सको। उसके लिए क्या होता है, भाषा सीखी जाती है। उसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? फर्स्ट ऑप्शन, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। सेकंड, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। थर्ड, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। फोर, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। सो राइट आंसर इज इसका जो थर्ड है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि अर्जन की सहज स्थिति बन सके। मतलब
उसका जब अगर आप परिवेश दे देंगे, उसको माहौल दे देंगे, एनवायरनमेंट बना देंगे उसका, उस लैंग्वेज को सीखने लायक, तो बच्चा स्वतः ही वो लैंग्वेज सीख जाता है। जैसे बचपन से हम हिंदी सीख जाते हैं, जो जो भी फॉरेन होते हैं तो वो इंग्लिश सीख जाते हैं, और जो पेरिस होते हैं फ्रेंच वाले फ्रेंच सीख जाते हैं, तो जो भी वो लैंग्वेज होती है तो वो सीख जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं मुख्यतः यह किसका कथन है? तो जो जो डेफिनेशन दी थी, मतलब जो जो बच्चे पैदा होते हैं उसी के साथ में सीखने की क्षमता लाते हैं, तो वो दी थी कि नाओम चॉमस्की ने। तो चॉमस्की ने सबसे ज़्यादा भाषा पर रिसर्च किया है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं? फर्स्ट, जो तुकांत ना हो। सेकंड, जो कोई सीख देती हो। थर्ड, जिसमें लयात्मक हो। फोर्थ, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड है, जिसमें लयात्मक हो। जैसे कि आप किसी प्राथमिक विद्यालय में जब ट्रेनिंग की होगी, आप पढ़ाने जाते होगे बच्चों को, तो वहाँ पर बच्चे क्या हैं, कहानियों के कविताओं के माध्यम से अच्छा इंटरेस्ट लेते थे, जिससे कि उनको भी इंटरेस्ट आता था और आपको भी सुनने में पढ़ाने में, जिससे कि थ्रू जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन कथन भी किसका है? ये चॉमस्की का फर्स्ट, ये वाली डेफिनेशन उन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो जो गीत, फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक कक्षा स्तर, सेकंड माध्यमिक कक्षा स्तर, थर्ड उच्च कक्षा स्तर, और फोर उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर फर्स्ट है। प्राइमरी में जो बच्चों को सिखाया जाता है तो वो गीत के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से सीख सकते हैं। 35, कविता शिक्षण खाली स्थान प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है, कौन सी है? फर्स्ट गीत, सेकंड समीक्षा, थर्ड अर्थ कथन, फोर व्याख्या। जो इसका राइट आंसर है वो है सेकंड समीक्षा। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों से आप रेशियो निकालो। देखो अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ चारों कक्षाओं के लिए, जो प्राथमिक कक्षा का जो स्तर है वो आप वहाँ पे गीत प्रणाली ज़्यादा लाभकारी होती है। माध्यमिक कक्षा स्तर के लिए, सेकंड वाले के लिए जो आप होगा वो कथन अर्थ कथन वाली जो प्रणाली होती है वो ये बेटर रहती है, और उच्चतर माध्यमिक के लिए समीक्षा प्रणाली, उच्चतर समीक्षा प्रणाली होती है वो वाली बेटर है, और जो उच्च कक्षाओं में जो होती है वो आपकी व्याख्या, और जो प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक भी मेथड का प्रयोग करते हैं वो अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं, और जो उच्चतर शिक्षाओं में जो प्रयोग करते हैं, मतलब जो बढ़िया विधि मानी जाती है वो व्याख्यान विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्तर पर भाषिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट, शब्द भंडार की वृद्धि करना। सेकंड, लेखन में सृजनात्मकता मौलिकता का विकास करना। थर्ड, अपठित रचना का सारांश लिख सकना। फोर, संक्षिप्त जीवनी लिख सकना। तो राइट आंसर क्या है इसका? अब पूछ रहा है भाषिक शिक्षण का उद्देश्य। अब देखो आप, इसका राइट आंसर थर्ड है, अपठित रचना का सारांश लिख सकना। तो आप देखिए कि जिस बच्चे ने जो पाठ पढ़ाई नहीं है, जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, तो वो प्राथमिक स्तर पर कैसे लिख सकता है किसी को सारांश? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला हो गया, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो ये डेफिनेशन है, ये किसने डेफिनेशन दी थी? तो ये दी थी बी ओरोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य होता है छात्रों में, फर्स्ट संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, सेकंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, थर्ड जिज्ञासा विभक्ति एवं अभिरुचि का विकास करना, फोर उपरोक्त सभी।
तो जो परिपरीक्षा में ये तीनों के तीनों आते हैं, सो इसका राइट आंसर हो जाता है 4, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो फर्स्ट अभिव्यक्ति एवं अभिप्रेरणा, सेकंड सीखने वाले के प्रति शिक्षक का रवैया, थर्ड माता पिता या अभिभावक से मिलना प्रोत्साहन, फोर उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? 4, ये तीनों के तीनों बात इसकी सही हैं, प्रभावित करती हैं। सो गाइज, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति टेट सीटेट या ऑल कंपटीशन में जो भी देने जा रहे हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभ मिल सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे और जो भी नए विजिटर हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें, उसमें इम्प्रूव कर सकें। सो गाइस, थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर।